अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने गार्डनिंग चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैटनिप हर्ब के बारे में। कैटनिप हर्ब जो है वो आमतौर पे जो है वो कैट्स के लिए मैरिजुआना समझा जाता है, बट ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। इसको ह्यूमन भी कंज्यूम कर सकते हैं। रिलैक्सिन टी इसकी बनती है और यूजुअली इसके ड्राइड लीव्स होते हैं जो कि हाउस होल्ड कैट्स के लिए लोग यूज़ करते हैं। ये ग्रीन पॉट्स में 4 इंचेस के, मैं आपको ट्रांसप्लांट करके कुछ इसके प्लांट्स दिखाता हूँ। और ये थर्ड बैच है हमारा, लास्ट ईयर भी मैंने ट्राई किया था इनको। लास्ट ईयर सिर्फ मैंने नवंबर में लगाए थे, इस साल सीड से मैंने पहले अक्टूबर के एंड में ट्राई किया, फिर लेट दिसंबर में, और ये थर्ड बैच है जो मैंने जनवरी में सो किया था। और 18 फेब को ये मैं इनको आज ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं आपको जो इनको ट्रांसप्लांट एक दो करके फिर आपके उस सेक्शन की तरफ लेके जाता हूँ जहाँ हमारे इससे पहले वाले प्लांट्स भी मौजूद हैं। तो इस हर्ब के बारे में आप में से कोई मज़ीद जानता है या इसको मज़ीद किन तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है तो ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैंने इसके लीव्स को भी ड्राई आउट करना शुरू किया हुआ है। चलें जी दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये देख लें, ये सेकंड बैच था जो दिसंबर में लगाया था, अर्ली दिसंबर में। ये भी 4 इंचेस के पॉट में है और माशाल्लाह बहुत बुशी प्लांट्स हो चुके हैं। और ये हमने अक्टूबर में सो किए थे, ये देख लें। और इन प्लांट से ये जो अक्टूबर वाले 8 इंचेस के पॉट में, कुछ 8 इंचेस के ग्रो बैग्स में है, काफ़ी बुशी हो गए हैं। यहाँ से मैं लीव्स हार्वेस्ट करता जाता हूँ और इधर से मैंने कुछ कटिंग्स भी लगाई हैं। ये एक प्लांट आप देख लें, ये पानी के मामले में काफ़ी सेंसिटिव है, अगर पानी की नेग्लिजेंस हो तो ये इस तरीके से डाउन हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे कभी भी प्लांट को डाउन देखें तो उसको धूप में पानी बिल्कुल मत दें, ठीक है जी। और अब ये आपके सामने है जो ट्रांसप्लांटेड प्लांट थे आज 8 मार्च को। ये इनकी कंडीशन है, स्टेबल, हेल्दी, एक्टिव। और ये देख लें राइट हैंड साइड वाले पार्ट।